Hello everyone, now let's see the applications of biotechnology in the field of agriculture and we are going to study the first application, the most famous one. It is your BT cotton, that is Bacillus thuringiensis. BT cotton क्या रहता, कैसे बनाते, बहुत नाम सुना होगा आपने. जो फार्मर क्लास वाले बच्चे हैं, जिनके फार्मर्स है घर में, खेती वगैरह है, माँ बाप खेती करते हैं, तो ऐसे बच्चों को पता होगा, नाम सुने होंगे. कॉटन के बीज लाते हैं अपन, तो कौन से लाते हैं, बीटी कॉटन लाते हैं स्पेशली आजकल. ओके, सो कैसे बनाते हैं बीटी कॉटन. एंड यस, इट इज अ बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है. तो अपने सिलेबस में बहुत अच्छी बीट है, अपने को एक दिया था, बहुत कमर्शियल ऐसा एक बीट है ये. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज दिस बीटी कॉटन. ओके, अब अपन देख रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी को अपने को अपने काम में लेने का है, तो कॉटन को कुछ तो भी चेंज करने का और उसको बीटी कॉटन में कन्वर्ट करने का. पहले तो कॉटन की परेशानी क्या रहती, कॉटन जो प्लांट रहता, इट इज अ क्रॉप, कमर्शियल क्रॉप है, नकदी पीक है, राइट. उसमें से होता क्या, कॉटन का जो प्लांट रहता तो उसकी जो ग्रोथ होंगी 4-5 महीने के बाद जब उसको फूल आएंगे, ओके, उसकी जो पत्तियां रहेंगी, उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाएंगी और उसके बाद उसको जो पत्ती आएंगे और फिर बाद में उसको फूल आएंगे. मालवेजी का मेंबर है कॉटन, ठीक है. आपका काम है कॉटन का साइंटिफिक नेम ढूंढ के निकालने का, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉटन. फैमिली तो मालवेजी बोल दिया मैंने तुम्हारे को, ओके. फैमिली क्या है कॉटन की, मालवेजी. तो जब उसको फूल आते, जस्ट लाइक योर हिबिस्कस, उसके जैसे फूल रहते, हिबिस्कस को कैसे एक लॉन्ग अपना गाइनोशियम रहेगा ट्यूब लाइक और उसके ऊपर एंड्रोशियम लगे रहते, तो उतना लंबा नहीं रहता इसका गाइनोशियम, बट सिमिलर फ्लोरल डायग्राम इसकी रहती. इसका भी पेंटा कार्पेलरी, पेंटा पेटालस, पेंटा सेपैलस फ्लावर रहेगा, ओके. और वो जो फूल आएंगे लाइट येल्लो कलर के, ब्लू लाइट पिंक कलर के, अलग अलग वैरायटीज में अलग अलग कलर के आते, व्हाइट कलर के रहते, लाइट व्हाइट कलर के ऐसे. तो वो जो फ्लावर्स रहेंगे उनको बाद में फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और उसका बाद में कन्वर्जन होगा तुम्हारे कॉटन बॉल में, कॉटन बॉल तैयार होगा. एंड देन दैट कॉटन बॉल विल इंटरनली ग्रो एंड इट विल प्रोड्यूस ट्राइकोम्स अराउंड दी सीड्स, दैट इज योर कॉटन. फाइबर्स ऑफ कॉटन सेल्यूलोस से बन जाएंगे, सीड्स तो रहेंगे अंदर और सीड्स के आजू बाजू ट्राइकोम्स रहेंगे, वो जो धागे रहते हैं कपास के अंदर, जो फाइबर्स रहते हैं, दैट इज एक्चुअली सेल्यूलोजिक फाइबर्स, ओके, दैट इज योर कॉटन. एंड मेनली दैट कॉटन बॉल्स आर द सोर्स ऑफ कॉटन, यू विल सेल दैट कॉटन एंड अर्न द इंक, राइट. अब होता क्या है कॉटन में, जब अपन ऐसा खेती करते हैं, कॉटन लगाते हैं, एकड़ों से लगाते हैं लोग जमीन पे, राइट. सो जब कॉटन लगाते तो इसमें नुकसान क्या होता है, इकोनॉमिक लॉस कहां पर होता. सो एक कॉटन बोल वर्म नाम का है, कॉटन बोल वर्म नाम की एक एक वर्म रहेगा, एक कीड़ा रहेगा, एक अली जैसा रहेगा, ठीक है. वो जो बोल वर्म रहेगा उसके जो स्पोर्स रहते मिट्टी में पड़े रहते, दूसरे प्लांट्स में भी आते ग्रो होते, वो पत्ते खाते हैं, फिर मिट्टी में उनके स्पोर्स गिर जाते, फिर उनमें से फिर और छोटी छोटी आल्या तैयार होती और वो जो आल्या रहेंगी इस तरीके से डिंग डिंग टिंग एकदम शैतान दिखना वाली, ठीक है. ये अली क्या करती, कॉटन बोलवर्म, ये ऐसे जब प्लांट की फ्लोरल स्टेज आ जाती वो टाइम पे ये अली ऊपर चढ़ती, पत्ते तो खाती खाती जाती, स्टेम भी खाएंगी थोड़ा सा, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगी भूख लगी थोड़ा सा स्टेम कुलत के खा लेंगे उसको, फिर ऊपर चढ़ेंगी, फिर पत्ता खा लेंगे, फिर ऊपर चढ़ेंगे, ऐसा करते करते हाथ तक पहुंच जाती. कॉटन बॉल जब आ जाता एकदम यंग, ऐसे डेलिकेट कॉटन बॉल जब शुरुआत में आते छोटे छोटे फ्लावरिंग होने के तुरंत बाद में, और वो टाइम पे फिर कॉटन बॉल तक पहुंच जाती और फिर इसके अंदर होल कर देती एक, वो जो कॉटन बॉल रहेगा छोटा सा, बहुत नाजुक रहता, बहुत डेलिकेट रहता. इट विल मेक अ होल बाय ईटिंग द पार्ट ऑफ दैट कैलिक्स एंड इट विल गेट एंटर्ड इनटू द कॉटन बॉल, कॉटन बॉल के अंदर चले जाएंगे और अंदर जाने के बाद क्या करती, फिर वो जो कॉटन बॉल है उसमें जो होल पड़ा वाला है, इट विल प्लास्टर इट, इट विल प्लास्टर इट फ्रॉम इनसाइड बाय सिक्रीटिंग सम सिक्रीशंस. वो कीड़ा उसको अंदर जाएगा और अंदर जाके पूरा पैक कर देगा, ठीक है. जब तू वो अंदर जाके बैठ जाएगा अपने को कुछ पता नहीं चलेगा, कॉटन बॉल तो ग्रो होगा अपना अपना, लेकिन अंदर बैठ के वो कीड़ा क्या करेगा, दिस कैटरपिलर कॉटन बोलवर्म, दिस बोलवर्म विल ईट आउट ऑल द कॉटन फ्लेशी वेट कॉटन, अंदर गिल्ली कपास रहती क्योंकि अभी ग्रो हो रही कपास, इट विल ईट आउट ऑल दैट पार्ट,
पूरी खा जाएगा कपास एंड इट विल ग्रो, इट विल डेवलप, डिवाइड एंड इट विल देन बर्स्ट बर्स्ट द कॉटन बॉल एंड इट विल गेट फ्री, वो निकल जाएगा उड़ के आपके हाथ में आएंगे खाली टरफड़, खाली एकदम पूरे कुछ भी नहीं रहेगा, कपास पूरी खा गया, उसकी घान रहेगी यहाँ पे, कचरा करेला रहेगा उसने खा के, उसका वेस्ट रहेगा और थोड़ी बहुत सड़े वाली कपास इतनी एकदम बचे, मेन तो खा गया, पूरा नुकसान करके चलेगा और नीचे गिर जाएगा, उड़ के चल जाएगा और दूसरे झाड़ पे जाके बैठे। इस तरीके से आपकी कपास तो पूरी गई, आपका कुछ भी इनकम नहीं है, आपको बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। इतना ही कमी ना रहा, क्या कर रहा है उसका एक्शन समझ में आ रहा, दिस कॉटन बोलवर्म कैन अटैक कॉटन प्लांट्स स्पेशली ऑन द कॉटन बॉल्स ओके एंड इट विल ईट ऑल द कॉटन एंड इट विल कॉज अ ह्यूज इकोनॉमिक डैमेज टू द फार्म। सिमिलरली ऐसे और भी रहते, टोबैको बोलवर्म रहता, वो टोबैको पे अटैक करता, ऐसे कई सारे और रहते, कॉर्न बोरर्स रहते जो कॉर्न अपने मक्के के ऊपर अटैक करते, ऐसे बहुत सारे अल्या है, बहुत सारे कीड़े हैं जो तुम्हारे अलग अलग प्लांट्स के ऊपर उसके फ्रूटिंग स्टेज आने के बाद उसको अटैक करके तुम्हारे को इकोनॉमिक नुकसान पहुंचा सकते हैं ओके। इनसे छुटकारा पाने के लिए फिर आपने क्या सोचना चाहिए, अपन इन पेस्ट को मारने, दीज आर पेस्ट, इंसेक्ट से पेस्ट से ओके, सो एक्चुअली इंसेक्ट है, पेस्ट नहीं बोल सकते इसको, इंसेक्ट है, सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट तुमको वैरायटी बनाना पड़ेगी राइट। तो अपने को ये जो कॉटन बोलवर्म है दिस इज इंसेक्ट, सो कॉटन इज अटैक्ड बाय कॉटन बोलवर्म इंसेक्ट एंड वी हैव टू मेक, देयरफॉर वी कैन यूज इंसेक्टिसाइड्स फॉर देयर कंट्रोल, तुम इंसेक्टिसाइड्स यूज कर सकते, तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो फिर इसके ऊपर, इंसेक्टिसाइड स्प्रे करो, लेकिन फिर से एक लॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंसेक्टिसाइड्स का पहला लॉस क्या है, इकोनॉमिकली तो महंगे है वो और इकोलॉजिकली भी हार्मफुल है, एनवायरमेंट के लिए भी खतरनाक है, पैसा भी ज्यादा लगेगा और इकोनॉमी अपने एनवायरमेंट को भी नुकसान होगा। तीसरा नुकसान और एक क्या है इस इंसेक्टिसाइड का, तुम अगर इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे ओके, इमेजिन करो ये पहुंचते पहुंचते उसने इंसेक्टिसाइड खाया नहीं और अंदर जाके बैठ गया और जिंदा रह गया, ऐसा भी हो सकता है उसके खाने में इंसेक्टिसाइड नहीं आएगा, एक आधा पार्ट रह जाएगा, छूट जाएगा तुम्हारा वहां पे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना, या ऐसा हुआ तुमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने का प्लान बनाया, तुमने सोचा कि सुबह अपन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, लेकिन आज रात में कुछ सारे बोलवर्म्स अंदर जाके घुस के बैठ गए कॉटन बॉल में, आज ही रात में घुस के बैठ गए, उन्हें तो प्लास्टर कर देते, तो क्या आपका इंसेक्टिसाइड उनको मार पाएंगे क्या, नो दे विल सर्वाइव बिकॉज दे आर नॉट अटैक्ड बाय योर इंसेक्टिसाइड, यू आर लेट एक्चुअली। तो ऐसा होके भी कहीं ना कहीं क्या होता है 100% सिक्योरिटी तुमको इंसेक्टिसाइड्स के यूज से नहीं मिल सकती, सो देयरफॉर इंसेक्टिसाइड्स वेयर नॉट सफिशियंट फॉर देयर कंट्रोल। इसके बाद फिर कुछ और डेवलपमेंट्स हुए और फिर ऐसा ढूंढ के निकाले कि यार कॉटन बॉल को मारने, कॉटन बम को मारने का है, बोलबम को मारने का है, तो बोलबम का दुश्मन ढूंढ के निकालना पड़ेगा, बोलबम का कोई तो भी बायोलॉजिकल, कोई तो भी उसका एक दुश्मन होगा बायोलॉजिकल, कोई तो भी उसका एनिमी ढूंढ के निकालने का, एंड दैट एनिमी इज योर बीटी, दैट इज योर बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। अब ये बैक्टीरिया क्या करता, दिस बैक्टीरिया इट हैज अ जीन नोन एज क्राई जीन, ये बैक्टीरिया, अब ये डायग्राम मिटा दे रहा मैं, तुमको समझ में आ गया कैसा अटैक होता, अब मैं ओरली बोल दूंगा बस ओके। क्या करता है बैक्टीरिया, इट प्रोड्यूसेस अ जीन, इट हैज अ जीन नोन एज क्राई जीन विच प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन नोन एज क्रिस्टल प्रोटीन, इन शॉर्ट दे आर कॉल्ड क्राई प्रोटीन्स, क्राई प्रोटीन्स, बट इन inactive form, in inactive form they are actually protoxins, protoxins। ये बैक्टीरिया क्या करता, अपने पास उसके पास एक जीन रहता बैसिलस थ्यूरिन, ये जो बैक्टीरिया है उसके पास क्राई जीन रहेगा उसके प्लाज्मिड में, और वो क्राई जीन से क्या करेगा, वो एक क्राई प्रोटीन बनाएगा, वो प्रोटीन ऐसे ऐसे पड़ाला रहेगा इसके सेल के अंदर, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ाला रहेगा, कैसे फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म, अगर वो एक्टिवेट हो गया तो बैक्टीरिया भी मर जाएगा, इट इज अ टॉक्सिक प्रोटीन, इट इज अ टॉक्सिक प्रोटीन, इट प्रोड्यूसेस क्रिस्टल्स अराउंड दैट बैक्टीरिया, उसकी क्रिस्टल जैसे कवरिंग तैयार करते हो प्रोटीन्स, सो दैट क्राई प्रोटीन्स और क्रिस्टल प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द आर एनकोडेड बाय द क्राई जीन्स प्रेजेंट इन बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, स्पेलिंग देखो थ्यूरिनजेंसिस, जी आई ई एन जेंसिस ओके ये स्पेलिंग एक मार्क के लिए बोर्ड में पूछते तो याद करके रखो, आपको स्टेट बोर्ड में भी सेम बीट है, जीएमओ जीएम प्लांट्स में, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स में, तो कॉटन को अपन जेनेटिकली मॉडिफाइड करने का तो एक जीन उठाना पड़ेगा अपने को, किसका जीन लेने का, बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस का, विच जीन, क्राई जीन, व्हाट डज इट प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस अ क्रिस्टल प्रोटीन बट इन इनएक्टिव फॉर्म इन द बैक्टीरिया, दिस इज कॉल्ड प्रोटॉक्सिन,
प्रोटॉक्सिन, टॉक्सिन बोलते हो मेन टॉक्सिन, और प्रो लगा दी तो वो इनएक्टिव हो गई इन इनएक्टिव फॉर्म. ओके, व्हाट इज द एसोसिएशन ऑफ दिस प्रोटॉक्सिन विद दैट बोलवर्म, उसका क्या होता है बोलवर्म को. इफ दिस प्रोटॉक्सिन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ योर कैटरपिलर और योर बोलवर्म, अगर ये बोलवर्म के खाने में आ गए, ये जो प्रोटीन्स है आपका जो बोलवर्म है, तो बोलवर्म ने उसको इंजेस्ट कर लिया, बोलवर्म ने उसको खा लिया. तो जैसे ही बोलवर्म उसको खा लेगा तो बोलवर्म का जो गट रहेगा, गट, गट मतलब क्या रहेगा उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सो उसके मिडगट में जाने के बाद, कहां पे, मिडगट में, इन द मिडगट देयर इज हाईली अल्कलाइन पीएच. कैसा पीएच है, हाईली अल्कलाइन पीएच. 2019 नीट में पूछे थे क्वेश्चन, हाईली अल्कलाइन या हाईली एसिडिक, हाईली अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट, ऑफ मिडगट ऑफ योर कॉटन बोलवर्म. सो ड्यू टू दैट हाईली अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट, दिस प्रोटॉक्सिन्स, दिस प्रोटॉक्सिन्स दे गेट एक्टिवेटेड, दे गेट एक्टिवेटेड मीन्स वॉट, दे आर एक्चुअली डिस्ट्रॉयड, प्रोटॉक्सिन्स आर डिस्ट्रॉयड, या ऐसे प्रोटॉक्सिन्स है और उनके टुकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, उनके ऊपर प्रोटीनेज एंजाइम एक्टिविटी बताते हैं. अल्कलाइन पीएच के अंदर प्रोटीनेज एंजाइम रहता है इसका, बैक्टीरिया का, बोलवर्म का. इट विल ब्रेक डाउन दैट प्रोटॉक्सिन्स एंड इट लीड्स टू एक्सपोजर ऑफ द एक्टिव टॉक्सिक पार्ट ऑफ दैट प्रोटीन. उसका एक्टिव टॉक्सिक पार्ट प्रोटॉक्सिन्स दे आर इंजेस्टेड बाय बोलवर्म, दैट लीड्स टू एक्टिव एक्टिव क्राइटॉक्सिन, ऑल्सो नोन एज बीटी टॉक्सिन. क्राइटॉक्सिन ऑल्सो नोन एज बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इन द मिडगट. एक्टिव प्रोटॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, दैट इज क्राइटॉक्सिन या बीटी टॉक्सिन, क्योंकि बीटी में साया वाला टॉक्सिन है. सो वो तैयार हो जाता एंड देयरफॉर व्हाट हैपेंस, दिस इन दिस मिडगट दिस एक्टिव टॉक्सिन this acts as an insecticidal protein, this active bt toxin it acts as an insecticidal protein. wo insecticidal protein ka kaam karega kaise, it will first of all kya action batayega, paralysis of gut, then swelling of gut, and then cellular lysis ब्रेक डाउन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ गट. उसके गट में पोर्स हो जाएंगे, सेलुलर लिसिस एंड पोर्स, उसके अंदर पूरे खड्डे खड्डे कर देंगे, इधर ऐसा पूरा फोड़ देंगे उसको, इतना जहर रहता हो. जो बीटी टॉक्सिन है वो बीटी को नहीं मार सकता, इट कैन नॉट किल बीटी बिकॉज इट इज इन एक्टिव फॉर्म एंड इट गेट्स एक्टिवेटेड इन द मिडगट ऑफ बैसिलस थुरिएजेंसिस ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाईली अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट. These BT toxins get activated, they become active BT toxin or active cryoproteins. These active cryoproteins will lead to paralysis, swelling and pore formation in the midgut that will ultimately lead to death of that bowl. मर जाता हूँ. It will lead to death of that bowl. अपने को वही करना है, बोलवर्म को मारना है. So बोलवर्म को मारने के लिए क्या आइडिया करने का समझ में आ रहा क्या, अपन बैसिलस थुरिएजेंसिस से क्या मांग के लेने के, cryoproteins मांग के लेने के. ओके, तो इसके लिए पहले के साइंटिस्ट क्या करते थे, ये जो बैसिलस थुरिएजेंसिस है इसका कल्चर तैयार करते थे, उसको प्लेट के ऊपर ग्रो करते थे बैसिलस थुरिएजेंसिस को, उसके स्पोर्स होते थे, फिर तैयार रिप्रोडक्शन होता था बैक्टीरिया का, और बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार करते थे, बहुत सारे उनका पाउडर बनाते थे, और वो पाउडर का सोल्यूशन बनाते थे पानी में, और उसको पाउडर को डायरेक्ट अपन कॉटन प्लांट्स पे स्प्रे कर देते थे. ओके, जैसे ही स्प्रे कर देंगे तो फिर ड्राइड स्पोर्स ऑफ दैट बैक्टीरिया बैसिलस थुरिएजेंसिस दे वेर ईटन बाय योर बोलवर्म. वो आएगा अटैक करने के लिए बोलवर्म, और चलते चलते आएगा तो पत्तों पे बीटी कॉटन के स्पोर्स तुमने स्प्रे कर दी तो वो उनको खा लेगा. ये बैक्टीरिया इसके पेट में चले जाएगा, अंदर जाके बैक्टीरिया फूटने लगेगा, तो बैक्टीरिया में क्रायोप्रोटीन्स निकलेंगे और सेम एक्शन से अंदर उसका मिडगट फट जाएगा और बोलवर्म मर जाएगा. बट अगेन देयर इज वन insecurity that your timing of spray is different and sometimes the bacillus your caterpillar or the bollworm will enter earlier before your spraying.
राइट। तो इस तरीके से वहां पे भी एक प्रॉब्लम होता था कि ये स्प्रे बनाना, वैसे पहले तो बैक्टीरिया ग्रो करो, उनका स्पोर्स आने दो, स्पोर्स को फिर स्प्रे करो, ये भी लंबी प्रोसीजर और एक्सपेंसिव प्रोसीजर चली गई थी। फिर आ जाओ अपने बायोटेक्नोलॉजी पे, अपने को क्या आइडिया यूज करने का है, इसके पास एक जीन है, वो जीन पे से क्राय प्रोटीन बनते, वो इनएक्टिव रहते, और वो जीन में से फिर अगर एक्टिव प्रोटीन तैयार हो गए तो एक्टिव प्रोटीन से अपना बोलवा मर जाए, राइट। तो इमेजिन करो क्या दिमाग लगाएंगे अपन, सीधा सीधा क्या करने का, बैसिलस थुरिंजेंसिस से कौन से जीन्स उठाने के, क्रायजीन्स, दैट इज अ क्रिस्टल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग जीन्स, क्रायजीन्स उठाने के, इंसर्ट दैट क्रायजीन्स इनटू अ प्लाज्मिड, क्रायजीन तुम्हारा डोनर डीएनए हो जाएगा फिर, राइट। और फिर तुम्हारा प्लाज्मिड यूज करो, एक वेक्टर लगेगा तुम्हारे को प्लाज्मिड, इट इज योर वेक्टर डीएनए, दिस इज योर क्रायजीन, ओके दिस इज योर वेक्टर, देन कट देम विद द हेल्प ऑफ आरई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, अब प्रोसेस देखो व्हिच अपने प्रीवियस चैप्टर में की, कट देम विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइदर इको आर वन एटसेट्रा, ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस, ज्वाइन देम विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस, व्हाट हैपेंस, इट प्रोड्यूसेस योर आरडीएनए, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए हैविंग अ वेक्टर एंड योर डोनर डीएनए दैट इज क्रायजीन, ओके दिस इज योर आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया, इंसर्ट दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू अ प्रॉपर बैक्टीरियल सेल बाय वेरियस कॉम्पिटेंट सेल मेथड्स, आइदर कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट और जीन इंजेक्शन, जीन गन वगैरह, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, याद है क्या, गोल्ड पार्टिकल्स बम्बार्ड करो, एंड योर आरडीएनए इज टेकन अप बाय योर सेल्स, देन सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स विद द हेल्प ऑफ योर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, एंड देन वंस यू हैव ऑब्टेंड रिकॉम्बिनेंट्स, ग्रो देम इन लार्ज नंबर, होस्ट की फिर मल्टीप्लीकेशन करो, होस्ट का मल्टीप्लीकेशन करो, ओके तो ये तुम्हारे को बहुत सारे इकोलाई बैक्टीरिया मिल जाएंगे, दीज आर इकोलाई बैक्टीरिया, क्योंकि बैसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया का है, ये भी बैक्टीरिया का है, तो पहला होस्ट को रहेगा तुम्हारा इकोलाई में डालना पड़ता, याद रखो डायरेक्ट कॉटन प्लांट में नहीं डाल सकते तुम, तुमको इकोलाई में डालना पड़ेगा, या फिर इकोलाई के बदले तुम यूज कर सकते यहाँ पे एग्रो बैक्टीरियम, कौन यूज करने का, एग्रो बैक्टीरियम, तो फिर एग्रो बैक्टीरियम यूज करे तो उसका कौन सा प्लाज्मिड यूज करना पड़ेगा तुम्हारे को, मैंने बताया था टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्राउन गॉल डिसीज वाला, राइट, क्योंकि अगर प्लांट्स में तुमको जीन्स इंसर्ट करने के हैं तो तुमको एग्रो बैक्टीरियम यूज करना पड़ेगा, बैक्टीरिया में जीन्स इंसर्ट करने के है तो तुमको इकोला यूज करना पड़ेगा, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरसेस वेक्टर यूज करते जनरली, याद है क्या मैंने लिखा के दिया था प्रीवियस चैप्टर में, सो तुम एग्रो बैक्टीरियम में डालो, एग्रो बैक्टीरियम को फिर इस तरीके से तुम आगे जान दो, एग्रो बैक्टीरियम में से फिर वो जीन निकालो, एग्रो बैक्टीरियम को अटैक करने लगा तुम्हारे कॉटन के सीड्स पे, कॉटन के रूट्स पे, एग्रो बैक्टीरियम विल रिलीज दैट जीन क्रायजीन इनटू द कॉटन प्लांट, देन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ दैट कॉटन प्लांट बाय प्लांट टिश्यू कल्चर, उसको प्लांट टिश्यू कल्चर करके बहुत सारी कॉपीज बना लो, और फिर वो प्लांट्स जो रहेंगे तुम्हारे कॉटन प्लांट्स, जो जो कॉटन सीड्स रहेंगे, वो जो सीड्स रहेंगे दे विल बी हैविंग दिस क्रायजीन, दैट कॉटन प्लांट विल बी हैविंग क्रायजीन, एंड नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दैट, अब वो पूरे प्लांट के अंदर ईच एंड एवरी सेल ऑफ दैट कॉटन प्लांट विल हैव दैट क्रायजीन, ईच एंड एवरी कॉटन प्लांट विल हैव दैट क्रायजीन, क्रायजीन को क्या करना है, अपने कोई प्रोसेस नहीं लिखने दिया तुमको, ये प्रोसेस नहीं डिस्क्राइब करने की कि कैसा बना है, सिंपली इंसर्ट द क्रायजीन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेंसिस इनटू द कॉटन प्लांट, इतना ही बोल देने का है तुम्हारे को, लेकिन कैसा इंसर्ट करते हैं, एक वेक्टर को जोड़ते हैं, वेक्टर को फिर पहले होस्ट में डालेंगे, होस्ट में से फिर अपने कॉटन में डालेंगे, ये ऐसी बातें लिखने की नहीं, समझ जाने का बस थोड़ा सा शॉर्ट में लिखने का एकदम, और डायरेक्टली यू कैन राइट क्रायजीन इज टेकन फ्रॉम बैसिलस थुरिंजेंसिस एंड इट इज इंसर्टेड इनटू द कॉटन प्लांट एंड इट बिकम्स बीटी कॉटन, because this cotton plant is not a normal cotton plant, it is having a gene from Bacillus thuringiensis, this cotton plant is bearing a gene, cryogene, and each and every cell of that plant, even root cell, shoot cell, leaf cell, flower cell, or your cotton ball cell, each and every cell of all parts of that cotton plant will produce this cryoprotein, cry protein, but again it will not harm the plant because it is in inactive form, it gets activated only when ingested by the or swallowed by the bollworm in the midgut due to highly alkaline pH, again when that bollworm will attack your cotton it will eat roots,
और इट विल ईट स्टेम एंड व्हेन इट विल ईट स्टेम सेल्स सो स्टेम सेल्स विल हैव आल्सो प्रोड्यूस्ड योर बीटी कॉट टॉक्सिन बट इन इनएक्टिव फॉर्म. सो स्टेम इज खाएगा तो स्टेम के थ्रू उसके पेट में चले जाएंगे और जहर, तो जैसे जैसे ऊपर जाने लगेगा पेट में जहर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा. स्टेम इज खाया अभी तो फूल तक पहुंचने का है, वो बॉन्ड तक पहुंचने का, कॉटन बॉल तक पहुंचने का है. उसके पहले ही मिडगट में दिस बीटी टॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड एंड इट डिस्ट्रॉयज द मिडगट एंड दैट कैटरपिलर और बोलवर्म विल डाई. लाइकवाइज लाइक दिस यू हैव प्रोड्यूस्ड अ कॉटन प्लांट विच इज रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट बाय इटसेल्फ. अब तुमको कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं, एक बार बीटी कॉटन के सीड्स लाके लगा दो उस पे तुमको स्पेशली बोलवर्म को मारने वाले इंसेक्टिसाइडल केमिकल्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज दैट कॉटन प्लांट इज नाउ एबल, दैट बीटी कॉटन प्लांट इटसेल्फ इज नाउ एबल टू प्रोड्यूस दैट इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बिकॉज वी हैव इंसर्टेड दैट इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जीन दैट इज क्राइजिन इनटू कॉटन प्लांट बाय योर बायोटेक्नोलॉजी. Therefore, your cotton plant is now an insecticidal or insect-resistant plant. It is now insect-resistant plant. समझ में आया कैसे अपन ने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके ऐसा प्लांट बनाया? ओके, मोनसेंटो नाम की कंपनी थी जिसने 20-25 साल 30 साल पहले ये बनाई थी. उसका पेटेंट उसी के पास था, बाद में पेटेंट सबके लिए फ्री हो गया. बहुत सारी कंपनीज बनाती बीटी कॉटन. शुरुआत में जब ये बनाई थी तो बहुत हाई उसके बहुत रेट्स थे, एक्सपेंसिव था बहुत. बट एक कुछ टाइम के बाद पेटेंट आपका एक्सपायर हो जाता और फिर वो सबके लिए दुनिया भर के लिए फ्री हो जाता है. वैसा ही हुआ और बीटी कॉटन आज सबके लिए अपन यूज कर सकते. समझ में बीटी कॉटन का क्या फंडा है? ओके, कैसे बनाते बीटी कॉटन? सिंपली टेक अ जीन फ्रॉम विच जीन? क्राइजिन. फ्रॉम होम? हु इज द डोनर हियर? बैसिलस थुरिंजियंसिस. इंसर्टेड इन टू कॉटन प्लांट. वॉट इट प्रोड्यूसेस? इट प्रोड्यूसेस एन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन वेन इंजेस्टेड बाय द इंसेक्ट. इट गेट्स एक्टिवेटेड एंड द इंसेक्ट डाइज and the plant gets protected, right? So इसी तरीके से कई सारे अपन proteins बना सकते हैं. और generally ये जो BT है, आपका जो Bacillus thuringiensis है, उसके जो cryogens है, so वो अलग-अलग आपको tension देने वाले कई सारे प्रकार के ball bombs हो सकते हैं, जैसे कि आपके lepidopteron, coleopteron और dipterans. ये आपके इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट ग्रुप्स. आर्थ्रोपोडा में जो ग्रुप्स है, इंसेक्टा सबसे बड़ा ग्रुप है. इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, उसके अंदर भी इंसेक्ट सबसे बड़ा ग्रुप है. इंसेक्ट्स में जो रहते हैं अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, जिसमें आपके आते हैं फ्लाइज, मॉस्किटोस. ओके, कोलियोप्टेरन्स में आते आपके बीटल्स, रेड येलो, रेड ब्लैक बीटल सबने देखे होंगे, राइट. और लेपिडोप्टेरन्स में आपके आते हैं टोबैको बोलवर्म, कॉटन बोलवर्म, राउंडवर्म, आर्मी वर्म. टोबैको बोलवर्म, कॉटन बोलवर्म, आर्मी वर्म एटसेट्रा, ये सब यहाँ पे आते हैं. सो ये जो इंसेक्ट्स है टोबैको को नुकसान पहुंचाते, कुछ है तो कॉटन को पहुंचाते, कोई बीटल्स जो रहते, बीटल्स तो कई घासों को अपने जितने भी प्लांट्स रहेंगे अपने मेजर क्रॉप्स उनको नुकसान पहुंचाते. फ्लाइज, मक्खियां भी बहुत परेशान करती, ढवड़ी माशी बोल के सफेद मक्खी आती है वो भी आपकी ज्वार वगैरह को नुकसान पहुंचाती. मच्छर भी ऐसा मत सोचो कुछ नहीं करते, अपने बीच काटते. मच्छर जो रहते मेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो, दे लीव ऑन दी प्लांट सैप, दे लीव देयर डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट सैप, दे ऑल्सो कॉज हार्म टू द प्लांट्स. और ये सब जो इंसेक्ट ग्रुप्स है, आपको ये भी पूछ सकते हैं, मैं द फॉलोइंग में दिया है आपको इंसर्ट में, तो ये ग्रुप आपको नुकसान पहुंचाएंगे. तो इनको मारने के लिए आप अलग अलग बीटी कॉटन्स को यूज कर सकते हैं, बीटी जीन्स को यूज कर सकते हैं. जैसे कि तीन स्पेसिफिक बीटी जीन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक, बीटी जीन्स आर या बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक. ये लाइन देखो आपको एनसर्ट में मिल जाएंगी, बीटी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट स्पेसिफिक. वो अलग अलग इंसेक्ट के ऊपर अलग अलग जहर काम करता. जरूरी नहीं कि आपका कॉटन वाला जो क्राइजीन है इसका जो प्रोटीन तैयार हो रहा वो आपके मॉस्किटो को मारेगा, मॉस्किटो को उसका कुछ असर नहीं होगा. ओके, तो आपको स्पेसिफिक कौन से इंसेक्ट को मारने का है उसके लिए स्पेसिफिक क्राइजीन ढूंढ के निकालना पड़ेगा आपको. सो ऐसे दो तीन क्राइजीन रहते, क्राइजीन्स तीन है, क्राय वन ए सी, क्राय टू ए बी और क्राय वन ए बी.
इनमें ये जो दो है दे आर रेजिस्टेंट अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म एंड दीज आर अगेंस्ट कॉर्न बोरर्स। क्या क्या लिख रहा है बना सर तुमको तुम्हारा मालूम? अरे ये एमसीक्यूज है आपके। क्या एमसीक्यूज है? What are various groups of insects? Lepidopterans, Coleopterans and Dipterans. They include these. They can attack your various crops. Okay. You can use different cry genes, cry proteins to control different insect groups. Why? Because your BT toxins are insect specific. There are specific toxins for specific insect groups. Such as Cry1AC toxin. The Cry1AC gene, it produces Cry1AC toxin. Cry2AB gene, it produces Cry2AB toxin. Cry1AB gene, it produces Cry1AB toxin. ये genes है, इनपे से ये जहर तैयार होंगे, ये proteins तैयार होंगे। लेकिन ये protein किसको मारेंगे mainly? Cotton bollworm को मारने के लिए। AB किसको मारेगा? Corn borer को मारेगा। तो 1-2-1, AC, AB, AB. 1-2-1. AC, AB, AB, ऐसा याद रखो। AC and AB, 1-2, they are against, useful against cotton bollworms and corn borer को मारने के लिए 1-AB ये वाला toxin, ये वाला gene use करते। corn borer मतलब आपके maize के मक्के में जाके corn में जाके बढ़ जाते, corn के दाने पूरे कच्चे रहते, खाली रहते, सड़े आले रहते, काले पड़ जाते, कई बार तो अगर दाना ही बचता नहीं ऐसा नुकसान करते, तो they are corn borers। तो इनको मारने के लिए ये चीज आपको एमसीक्यू मिल जाएगा फोटो के ऊपर आपके एनसीईआरटी में, ये आपकी लाइंस दिया लिए आपको लर्न करने के लिए विच टॉक्सिन्स विच जीन्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट विच इंसेक्ट ग्रुप्स। ओके, दे प्रोड्यूस रिस्पेक्टिव प्रोटीन्स एंड लाइक दिस यू कैन यूज बीटी कॉटन बीटी अगेंस्ट वेरियस इंसेक्ट्स टू किल देम एंड टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स। इसी तरीके से और भी बीटी क्रॉप्स बनाए गए हैं, बीटी बीटी आपके कैबेज, बीटी ब्रिंजल, बीटी ये बहुत सारे चालू है, आपको उसकी भी लिस्ट मिल जाएंगे एनसीईआरटी में, आपको ढूंढ के निकालने का है कि बीटी क्रॉप्स कौन से बनाए वाले। और लेकिन बीटी ब्रिंजल को जो थोड़ा सा इशू है कि बीटी ब्रिंजल वगैरह जो अपन खाते बीटी राइट, लेकिन ये बीटी कॉटन अपन नहीं खा सकते, खाते नहीं ना कॉटन, खाने की चीज थोड़ी राइट। तो बीटी ब्रिंजल इज इडिबल क्रॉप एक्चुअली एंड बीटी कॉटन इज नॉट इडिबल, वो कपड़े बनाने के काम आएगी। तो फिर ब्रिंजल का अपने को क्या होगा? इट मे बी अ चांस दैट योर गट इट इज ऑल्सो हाईली अल्कलाइन इंसेक्ट, आपके गट में भी अल्कलाइन पीएच है, बाइल जूस अल्कलाइन रहता, सो वहां पे जाके अगर ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन वहां एक्टिवेट होगा तो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता राइट। सो देयरफॉर टेस्टिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन, अभी भी टेस्ट चालू है, बीटी ब्रिंजल को परमिशन नहीं मिले वाली, कई देशों में अभी भी शुरू है उसके ऊपर ये बात कि इसको परमिशन देना है या नहीं देना। इडिबल क्रॉप्स में या फिर इडिबल वेजिटेबल्स में अपने बीटी क्रॉप्स बनाना या नहीं बनाना ये भी आज एक कंट्रोवर्शियल इशू है, बट कई सारे ऐसे क्रॉप्स है जिनके ऊपर बीटी का सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुआ और सक्सेसफुल कई सारे ऐसे बीटी क्रॉप्स बनाए, बीटी कैबेज वगैरह बना दिए, अब वो भी अपन नहीं खाते लेकिन वो कई दूसरे देशों में चलते हैं। इंडिया में तो बीटी कॉटन ही है, बीटी के सिर्फ बाकी के वैरायटीज इंडिया में इतनी फेमस नहीं है। ओके, बीटी ब्रिंजल तो बिल्कुल भी आने वाले टाइम में हो सकता है उनको परमिशन मिल जाए, बट बीटी कॉटन इज द मोस्ट फेमस वन हियर एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल क्रॉप प्रोड्यूस बाय जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑफ योर कॉटन प्लांट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर बीटी कॉटन। इस तरीके से आप बायोटेक्नोलॉजी यूज करके बीटी कॉटन बना सकते विच इज एन इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म हैविंग अ जीन Cry1AC और Cry2AB विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट कॉटन बोलवर्म। ओके, कहां से लिए उसका होस्ट वगैरह? बीटी बैसिलस थुरिएंजिएंसिस, स्पेलिंग वगैरह देख लो एंड लाइक दिस योर बीटी कॉटन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, विल सी अनदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, दिस इज ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्योंकि इसका जीनोम बदल दिए तुमने, कॉटन में पहले ये क्राइजीन नहीं रहता, आपने क्राइजीन डाल दिए तो इसका जेनेटिक मेकअप बदल दिया आपने, सो देयरफॉर बीटी कॉटन इज ऑल्सो अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। बीटी कॉटन इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, GMO बोलते हैं उसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आता है बिकॉज यू हैव मॉडिफाइड इट्स जीनोम एंड इंसर्टेड अ न्यू जीन विच वॉज नॉट प्रेजेंट इन इट्स नेचुरल जीनोम राइट। इसके अलावा और कुछ रहेंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंट वगैरह, कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज वगैरह, जो कुछ भी एडिशनल बिट्स है, सो वी विल सी दैट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।